including green, social, sustainable, sustainability-linked transition bonds and carbon trading, which will enable global capital flows into India to meet SDG and climate change goals. With these major milestones being announced today, GIFT IFSC marches ahead as a leading jurisdiction for availing international financial services. साहस, समर्पण, संकल्प से सिद्धि, जिनका कार्य मंत्र है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और FSCA के कल्पना की थी, जिसे देश का ही नहीं परंतु विश्व का एक ऐसा प्रवेश द्वार बनाने का संकल्प किया था, जहां प्रौद्योगिकी के साथ वित्त का समन्वय भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और आज इन तीन लॉन्चेस से आपका ये संकल्प सिद्ध हुआ। इस शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया के संकल्प शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, बिजनेस वर्ल्ड के सभी गणमान्य साथी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, भारत के बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहम दिन है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आधुनिक होते भारत के नए संस्थान और नई व्यवस्थाएं भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुझे विश्वास है ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा, उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। IFSCA एक एनेबलर भी बनेगा, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा और इस सब के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक कैटालिस्ट का काम भी करेगा। गिफ्ट सिटी में NSE, IFSC, SGX कनेक्ट की लॉन्चिंग के जरिए आज ये शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, उसको भी लॉन्च किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, तीन फॉरेन बैंक्स और चार इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म
इन सबके साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से सिंगापुर के अपने साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जिनके सहयोग से दोनों देशों के लिए संभावनाओं के आयाम खुल रहे हैं। साथियों, गुजरात में रहते हुए जब मैंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी तो वो केवल व्यापार कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी है। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। मुझे याद है जनवरी 2013 में जब मैं गिफ्ट वन के इनॉग्रेशन के लिए यहां आया था तब लोग इसे गुजरात की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहते थे। कई लोगों के लिए यही इसकी पहचान थी। लेकिन गिफ्ट सिटी एक ऐसा आइडिया था जो अपने समय से भी बहुत आगे था। आप याद करिए 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था। भारत में भी दुर्भाग्य से वो समय पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। लेकिन उस समय, यानी कल्पना कीजिए उस समय की दुनिया की स्थिति, उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गिफ्ट सिटी एक और खास बात यह है कि ये ट्राई सिटी अप्रोच का प्रमुख स्तंभ है। अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी तीनों एक दूसरे से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है और तीनों की अपनी एक विशेष पहचान है। अहमदाबाद एक गौरवशाली इतिहास का अपने आप में समेटे हुए है। गांधीनगर प्रशासन का केंद्र है, नीति और निर्णयों का मुख्य मथक है और गिफ्ट सिटी अर्थतंत्र का प्रमुख केंद्र है। यानी अगर आप
इन तीनों में से किसी भी शहर में जाते हैं तो पास प्रेजेंट या फ्यूचर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। साथियों, गिफ्ट सिटी से जुड़े इनिशिएटिव्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा भी है। हमें यह याद रखना होगा कि एक वाइब्रेंट फिनटेक सेक्टर का मतलब केवल इजियर बिजनेस क्लाइमेट, रिफॉर्म्स और रेगुलेशन तक ही सीमित नहीं होता। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रोफेशनल्स को एक बेहतर जीवन और नए अवसर देने का माध्यम भी है। गिफ्ट सिटी एक ऐसी जगह बन रहा है जहां से नए नए आइडियाज निकल रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है और दुनिया के सबसे बेहतर माइंड्स आकर यहां सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यानी गिफ्ट सिटी एक तरह से भारत के पुराने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने का भी एक माध्यम बन रहा है। यहां इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, वो जानते हैं कि भारत के लोग सैकड़ों वर्षों से व्यापार और व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में जाते रहे हैं। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भारतीय पहुंचे न हो। भारतीय व्यापारी इनोवेटिव फाइनेंसिंग टेक्निक्स उसका भी इस्तेमाल करते थे। मैं जिस जगह से आता हूं, मेरा जो जन्म स्थान है वडनगर, वहां खुदाई चल रही है और वहां भी खुदाई में प्राचीन काल के सिक्के मिल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी व्यापारिक व्यवस्था और संबंध कितने व्यापक थे। लेकिन आजादी के बाद हम खुद ही अपनी विरासत को, अपनी इस ताकत को पहचानने से कतराने लग गए। संभवतः ये गुलामी और कमजोर आत्मविश्वास का असर था कि हमने अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और दूसरे संबंधों को जितना हो सका सीमित कर दिया। लेकिन अब नया भारत इस पुरानी सोच को भी बदल रहा है। आज इंटीग्रेशन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है। एक ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ तेजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं और गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। जब आप गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी आज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा और बड़ा होना तय है। हमें इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे आज के और भविष्य के रोल को
कैटर कर सके। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इसी दिशा में एक कदम है। गोल्ड के लिए भारत के लोगों का प्यार किसी से छिपा नहीं है। सोना भारत में महिलाओं की आर्थिक शक्ति का बड़ा माध्यम रहा है। महिलाओं के विशेष स्नेह के कारण गोल्ड हमारी समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उतना ही अहम हिस्सा रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत आज सोने चांदी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या भारत की पहचान सिर्फ इतनी होनी चाहिए? भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। IIBX इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी गोल्ड से जुड़ी इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, खासतौर पर ज्वेलर्स को, ये विस्तार करने में मदद करेगा। उनके लिए नए अवसरों का मार्ग बनाएगा। वो डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे बुलियन खरीद सकेंगे और इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ ही IIBX एक्सचेंज के जरिए सीधे गोल्ड में ट्रेड करने के अवसर भी देगा। जैसे जैसे गोल्ड ट्रेडिंग की मार्केट ऑर्गेनाइज होगी, भारत में गोल्ड की डिमांड गोल्ड प्राइसेस को प्रभावित भी करेगी और निर्धारित भी करेगी। साथियों, आने वाले समय में भारत में जो कुछ भी होगा उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, उससे पूरी दुनिया को दिशा मिलेगी। हम लोकल एस्पिरेशन को भी महत्व देते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन का महत्व भी समझते हैं। एक और, हम ग्लोबल कैपिटल को इसको लेकर वेलफेयर के लिए ला रहे हैं, तो दूसरी ओर हम लोकल प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल वेलफेयर के लिए हार्नेस भी कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट देश में नए अवसर पैदा कर रहा है, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। ये हमारी इंडस्ट्री को ऊर्जा दे रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और ये प्रोडक्टिविटी केवल भारत की ही ताकत नहीं बन रही, इसका लाभ पूरे विश्व को हो रहा है। ये बात सही है कि आज जो इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव, इससे जुड़ी संभावनाएं इससे भी कहीं ज्यादा व्यापक है। आज हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल को छू रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स नए नए देशों में, नए नए मार्केट में पहुंच रहे हैं। एक ऐसे समय, और वो समय ऐसा है जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स अनिश्चितता का शिकार है। दुनिया इस अनिश्चितता से आशंकित है। भारत दुनिया को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भरोसा दे रहा है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, ये लोकल वेलफेयर के लिए ग्लोबल कैपिटल और ग्लोबल वेलफेयर के लिए लोकल प्रोडक्टिविटी का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। गिफ्ट सिटी से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशंस इस बॉन्ड को
और मजबूत करने का काम करेंगे। यहां कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके पास ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी है और लोकल कनेक्ट भी है। साथियों, नए भारत के नए संस्थानों से, नई व्यवस्थाओं से मेरी बहुत सी अपेक्षाएं भी हैं और आप पर मेरा पूरा भरोसा भी है। आज 21वीं सदी में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बात जब टेक्नोलॉजी की हो, बात साइंस और सॉफ्टवेयर की हो, तो भारत के पास एज भी है और एक्सपीरियंस भी है। आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। आज हम इसमें लीडर हैं। फिनटेक के क्षेत्र में भारत की ये ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। इसलिए मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि फिनटेक में आप नए नए इनोवेशंस के लिए टारगेट करें। गिफ्ट IFSC फिनटेक की ग्लोबल लेबोरेटरी बनकर उभरे। साथियों, मैं एक और अहम पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के लिए सक्सेस और सर्विस, सफलता और सेवा एक दूसरे के पर्याय हैं। जन कल्याण से जग कल्याण, ये हमारी भावना है। इसलिए आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक संभावनाओं का नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम गति शक्ति मास्टर प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिशा दे रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा समर्पण असीम संभावनाओं को खोलेगा। मैं चाहता हूं कि गिफ्ट, IFSC, सस्टेनेबल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल डेट और इक्विटी कैपिटल का एक गेटवे बने। इसी तरह भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप फाइनेंसिंग, कार्बन ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी और IP राइट से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तक कई फाइनेंशियल इनोवेशंस की जरूरत है। IFSC को इस दिशा में काम करना चाहिए। IFSC को रेगुलेशन और ऑपरेशन कॉस्ट को भी न केवल भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भी कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि IFSC रेगुलेशन में लीडर बने, रूल ऑफ लॉ के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करे और दुनिया के लिए पसंदीदा आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के उभरे। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहां है, उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है, तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं।
उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाइप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार ये युवा ही है जो आने वाले समय में अर्नर्स और इन्वेस्टर्स बनेंगे। इन कोर्सेज में लोगों का भरोसा पैदा हो इसके लिए उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी भी प्राइवेट प्लेयर्स के कामकाज को देखकर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तैयार करने पर काम कर सकता है। इस साल बजट में गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर जो घोषणा हुई है उससे भी इसे मदद मिलेगी। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप देश के सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करेंगे और अमृत काल में देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजरात सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि गिफ्ट सिटी के इतने बड़े मिशन में गुजरात सरकार की नीतियां बहुत ही पूरक और पोषक बन रही है और इसके लिए भी मैं गुजरात सरकार के सभी इनिशिएटिव्स को उसकी सराहना करता हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यहां मैं देख रहा हूं जेम्स और ज्वेलरी की दुनिया के लोग भी बड़ी मात्रा में नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अवसर को वो भली भांति समझते हैं। उनके लिए कितना बड़ा अवसर पैदा हुआ है उसका अंदाज उनको भली भांति आता है और उसका लाभ वे बहुत भरपूर उठाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। विक्रमी पुरुष सिर पर चलता न छत्र पुरखों का घर।